भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला इकानो स्टेडियम में खेला गया। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने भारतीय टीम को 9 रन से हरा दिया। बारिश की वजह से इस मुकाबले को 40 ओवरों का कर दिया गया था। टीम इंडिया के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 4 विकेट खोकर 249 रनों का स्कोर खड़ा किया। जवाब में टीम इंडिया 8 विकेट खोकर 240 रन ही बना सकी। इस तरीके से मुकाबला 9 रन से गंवा दी। टीम इंडिया से कप्तान शिखर धवन और शुभमन गिल सलामी बल्लेबाजी करने आए। टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। शिखर धवन 4 तो शुभमन गिल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए ऋतुराज गायकवाड़ ने 19 रन बनाए। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन भी 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर ध्वस्त होने के बाद श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन ने पारी संभाली। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर ने 37 गेंदों का सामना करते हुए 50 रनों की 68 पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने अपने इस पारी में 8 चौके जड़े। नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन ने आखिरी क्षण तक एक छोर को संभाले रखा। सैमसन ने 63 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 86 रनों की पारी खेली। इस दौरान सैमसन ने अपने इस पारी में 9 चौके और 3 छक्के जड़े। संजू सैमसन ने आखिरी ओवर में तूफानी बल्लेबाजी कर टीम की जीत की उम्मीद जगा दी थी, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका गेंदबाजी काफ़ी बेहतरीन रही। लुंगी एनगेडी ने 8 ओवर की गेंदबाजी की 52 रन खर्च कर 3 विकेट अपने नाम किया। कगिसोर अबाडा ने 8 ओवर गेंदबाजी की 36 रन खर्च कर 2 विकेट अपने नाम किया। वहीं वेन पॉर्नेल, केशव महाराज और तबरेज शमसी ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। दक्षिण अफ्रीका की जीत में गेंदबाजों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 249 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी में क्लासेन और मिलर ने एक बार फिर पारी की कमान संभाली और टीम को बेहतरीन स्कोर तक ले गए। डेविड मिलर ने 75 रनों की पारी खेली तो क्लासेन के 74 रनों की पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका की टीम 249 रनों का स्कोर खड़ा करने में सफल हुई थी, जबकि टीम के गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 9 रन बचाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। अब देखना यह होगा कि दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया पलटवार करने में सफल हो पाती है या दक्षिण अफ्रीका की टीम इस सीरीज को अपने नाम करने में सफल होती है। हमारे इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।